अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि सब भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक किया है। बहुत सारा शुक्रिया उन दोस्तों का, ठीक है। और दोस्तों, जो आज की वीडियो का हमारा मौजू है, वो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो अपनी वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जितने भी नए शकीन भाई हैं, जैसे कि मैं भी नया शकीन हूँ और जो पुराने भाई हैं उनको तो सब पता होगा इन बातों का। जो नए शकीन हजरात हैं वो इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो मुर्गी है ना वो कुड़क पे नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि मुर्गी कुड़क पे नहीं बैठ रही। मुर्गी अंडे तो देती है लेकिन अंडे देने के बाद फिर वो घूमती फिरती रहती है, कुड़क नहीं पकड़ती। यानी कि मुर्गी कुड़क नहीं पकड़ती। तो एक तो दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे कि एहसान भाई, इसका क्या तरीक़ेकार है कि मुर्गी अंडे देने के बाद मुर्गी कुड़क पकड़ ले। उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिनके पास ये मसले मसाइल आते हैं कि मुर्गी अंडे तो देती है लेकिन वो कुड़क पे नहीं बैठती। तो दोस्तों, मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, ठीक है। जो पहला तरीका बताऊँगा वो तकरीबन 80% काम कर जाता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो जबरी तरीका है, मुर्गी को कुड़क पे बिठाने का जबरी तरीका है, ठीक है। वो भी काम कर जाता है, वो 100% काम कर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो तरीका वो ये है कि जब आपकी मुर्गी तकरीबन 10 से 12 अंडे दे चुके, 10 से 12 अंडे दे दे जाए मुर्गी, ठीक है, आपने सबसे पहले मुर्गी को मुर्गे से दूर कर देना है, ठीक है। मुर्गी को मुर्गे से दूर कर देना है, अलहदा कर देना है, मुर्गे के साथ नहीं छोड़ना जब वो 10 या 12 अंडे दे चुकी हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपने ये ख्याल करना है कि जब मुर्गी आखिरी अंडा देती है ना, ठीक है, वो उसके ऊपर तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा उस जगह के ऊपर ज़रूर बैठती है जहाँ पर वो अपना आखिरी अंडा देती है, ठीक है। लाजमी मुर्गी है, मुर्गी अंडा दे, आपको पता है मुर्गी ने अंडा दिया, पकड़ने जाएँ वो पंख फैला के आपको डराने की कोशिश करेगी, तो ये निशानी होती है कि मुर्गी ने तकरीबन आखिरी अंडा दे दिया है और उसी जगह पर उसने बैठना है जहाँ पर उसने आखिरी अंडा देना है, ठीक है। जब वो आखिरी अंडा दे दोस्तों, आपने वो अंडा नीचे से पकड़ लेना है और जो ब्रायलर अंडे मिलते हैं ना बाहर से दुकान से, वो दो अंडे आपने ला के मुर्गी के नीचे रख देने हैं, ठीक है। और मुर्गी को आपने बिल्कुल भी तंग नहीं करना, कोई उसके नीचे भी तूड़ी छूड़ी या कोई भूसा कुछ नहीं रखना, सिर्फ दो अंडे रख देने आपने। मुर्गी उन अंडों के ऊपर बैठेगी घंटा डेढ़ दो घंटे और उठ के बाहर घूमे फिरेगी, फिर आके खुद ही उनके ऊपर बैठ जाएगी, ठीक है। उसे पता होगा कि ये अंडे हैं। दो दिन तक दोस्तों, आपने वो जो लोकल अंडे जो बाज़ार से पोल्ट्री मिलते हैं ना, वो आपने उसके नीचे दो दिन तक पड़े रहने देने हैं और मुर्गे को उसके पास नहीं आने देना। मुर्गी लैदा कर देनी है आपने। तो जैसे ही दो तीन दिन के बाद मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी रही, उसका कुड़क पक्का हो जाए दोस्तों, आपने वो नीचे से अंडे पकड़ने हैं और जो आपके पास मुर्गी के अंडे होंगे सही, वो आपने उसमें डाल देने हैं सारे। वो आप जो आपके पास मुर्गी के अंडे होंगे वो आपने मुर्गी के नीचे रख देने हैं सारे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा जबरी तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों, जबरी तरीका मुर्गी को कुड़क पर लाने का ये है कि जब मुर्गी सारे अंडे दे दे, आपने क्या करना है, आपने ये जो आपको टोकरी नज़र आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, आपने ये वाली दो टोकरियाँ लेनी है, बिल्कुल इसी तरह की दोस्तों, आपने दो टोकरियाँ लेनी है। जब मुर्गी सारे अंडे दे दे, आपने एक टोकरी के अंदर कोई भूसा वगैरह रख के, तूड़ी वगैरह रख के, अंडे रख के ऊपर मुर्गी बिठा के, ये दूसरी टोकरी दोस्तों आपने मुर्गी के ऊपर रख देनी है, ठीक है। और ऊपर आपने कोई चीज़ रख देनी है, यानी कि कोई वेट कह लें, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी कंफर्टेबल हो, आपने टोकरी के ऊपर रख देनी है। दोस्तों, एक पूरा दिन और पूरी रात ये टोकरी मुर्गी के ऊपर पड़ी रहे, आपने टोकरी पीछे नहीं करनी, ठीक है। जब 24 घंटे गुजर जाएँ तब आपने टोकरी पीछे करनी है और मुर्गी के मुँह के आगे आपने बाजरे दाने जो भी पानी उसको खाने के लिए देना है। मुर्गी को बाहर नहीं निकालना आपने, सिर्फ उसके मुंह के आगे कर देने हैं, जो खाना चाहे वो खा ले, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जब वो बाजरा वगैरह खा ले, आपने टोकरी फिर उसके ऊपर दोबारा रख देनी है मुर्गी के, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले अंडे रखने हैं, फिर मुर्गी, फिर उसके ऊपर टोकरी। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसे जबरी तरीका कहते हैं मुर्गी को कुड़क पर लाने का, ठीक है। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया ना, उसमें ये होता है मुर्गी कुड़क पर आ जाती है, कुड़क पर बैठ जाती है मुर्गी, ठीक है। वो अंडे देती है, ठीक है, आप नीचे दो अंडे रख देते हैं, 12-13 अंडे देने के बाद उसे मुर्गे से लहदा कर दें, वो खुद ही अंडों के ऊपर ग्रिप पूरी कर लेगी। आप नीचे दो लोकल अंडे रख दें देके, ठीक है, जो दुकान से मिलते हैं पोल्ट्री, वो निकालने बाद में आप उसके नीचे सारे दूसरे अंडे रख दें, ठीक है। तो ये तो 80% काम करता है। और जो जबरी तरीका है दोस्तों, अक्सर जो भाई हैं ना, अक्सर जो दोस्त हैं ना, वो फटी फटी यार मुर्गा लड़ पाई, अब मुर्गा फटी गया ही। अक्सर दोस्तों जो भाई हैं ना, तो दोस्तों जो दूसरा तरीका है ना,
वो काफ़ी पावरफुल होता है। वो अक्सर दोस्त, अक्सर भाई, अक्सर हजरात ये करते हैं कि मुर्गी कुड़कना पकड़े तो जबरी तरीके के साथ उसके ऊपर शेल रख देते हैं, नीचे भी शेल, ऊपर भी शेल, नीचे मुर्गी रखी होती है, तो वो तकरीबन 3-4 दिन तक मुर्गी का कुड़क पक्का हो जाता है उस तरीके के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दो तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं अगर मुर्गी कुड़क पे ना आ रही हो। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों और कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है कोई भी। ठीक है, आपने इन दो तरीक़ों के ऊपर ही अमल करना है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि असील मुर्गों के मतलब, इनकी बीमारियों के मतलब, इनके इलाज के मतलब जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब मैं बना के आपके साथ शेयर करता रहूँ। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।